हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए फलाहारी हलवा। तो देखकर हलवे को आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का हलवा है। तो आज हम बनाएंगे सिंगाड़े के आटे से फलाहारी हलवा, तो जिसे आप जन्माष्टमी का व्रत हो या कोई से भी व्रत में खा सकते हैं। मुश्किल से 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ही 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिया है सिंगाड़े का आटा, तो आप ये देख रहे होंगे। इसी के साथ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, जो नारियल का बुरादा होता है, वो ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले लें। 2 हरी इलायची और ये है गुड़ जैगरी, तो आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमें आटे को भूनना है, तो मैंने एक पैन में सिंगाड़े के आटे को डाल लिया है, क्योंकि जब हम इसको कुक करते हैं तो हमें जब हम पानी डालेंगे तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाना है। तो पहले हमें आटे को बहुत अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। तो आटे को ज़रूर से आप रोस्ट कर लें। अब ये देखिए, एकदम से कलर चेंज नहीं करना है, लेकिन इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके आटे को पहले ठंडा करेंगे। अब मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और साथ में ही ये जो आटा हमने भूना था अभी, इसको ठंडा करके हम डाल लेंगे। और दोनों को हमें एक साथ बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए पल्स मोड पर इसको हमें चलाना है। उससे क्या होगा कि जो आटा है ये कोकोनट पाउडर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम कढ़ाई में सबसे पहले डाल देंगे पानी। तो ये हलवा जो बनता है, इसमें घी डलता है लास्ट में, और शुरू में हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जो हमारा जैगरी है, गुड़, उसको हमें सबसे पहले इस तरह से मेल्ट करना होता है। तो गुड़ जब तक हमारा सारा नहीं पिघलेगा, तब तक हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है। अब ये गुड़ बिल्कुल हमारा पिघल गया है, अब हम डालेंगे इसमें हमारा कोकोनट और सिंगाड़े के आटे का पाउडर। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, दोनों तरफ से ऊपर नीचे करते हुए इसको हम चलाएंगे, और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही सारे पानी को ये ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो इसीलिए अगर हम आटे को नहीं भूनते तो आटे का फ्लेवर कच्चा आता। अब मैंने हरी इलायची डाल दी है, और अब हम डालेंगे इसमें घी। तो किसी भी हलवे का जो मज़ा है, वो घी के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। अच्छे से सबको मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको हलवे को कुक करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कितने कम सामान से बहुत बढ़िया हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हलवा कैसा लगा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितनी बढ़िया सी, और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही हलवा हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसको इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ज़रूर से ट्राई करें, और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी जन्माष्टमी।